वहां से आ गया ये लेपर्ड, किधर से आ गया लेपर्ड? ऊपर से गिरा है क्या? अच्छा गाड़ी बजी है इस पे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं कहीं सरप्राइजिंग जगह पे, जहाँ पर है फ्लोटिंग आइलैंड। तो वो मैं अभी आपको जाके बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है फ्लोटिंग आइलैंड। और हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं, नानक और राहुल। राहुल अभी पहुंच रहा है क्योंकि मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। हमारा प्लान था 4 बजे जाने का, तो अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है। तो अब जैसे ही राहुल आता है फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे मूर्थल की तरफ। और मूर्थल की तरफ निकल ही रहे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कहाँ की तरफ हम जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं वो आपको नहीं पता है। वो अगर किसी को पता है कि फ्लोटिंग आइलैंड हिमाचल में कहाँ पर है तो वो ज़रूर कमेंट पे पिन करिए। लेकिन वैसे तो सबको डिस्क्रिप्शन और टाइटल से पता चली गया होगा, लेकिन जिनको नहीं, जिन्होंने टाइटल नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देख के गेस करिए कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। तो बस अभी राहुल थोड़ी देर में पहुँचता है। हमारी बाइक्स पूरी ओवरलोडेड है क्योंकि अभी कैंपिंग के लिए करना है। ये नानक का बाइक है, ये है इनकी जो चैनल है वो है आपका, क्या नाम है भाई चैनल का तेरे? NSB फिल्म्स। ओ भाई फिल्म्स तो NSB फिल्म्स के नाम से तो NSB फिल्म्स के नाम से इनका है। और इनके पास है ड्यूक 390 ओ भाई साहब 390 मैं 250 सोच रहा था। तो ड्यूक 390 है और अपनी है सुजुकी वी स्ट्रॉम 250। तो तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे पास आ जाए 1250, वो तो मेरा ड्रीम ही है। लेकिन अब देखते हैं किसी जगह राहुल जी पहुँचते। अभी 5-10 मिनट पहले कॉल किया था तो मेरे ख्याल से हार्डली उनको 10-15 मिनट और लगेगा पहुँचने में। और फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है हमारा फ्लोटिंग आइलैंड, और वहाँ पर हम लोग करेंगे कैंपिंग। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। गाइज ये देखिए सबसे लेट लती हमारे ये नानक एंड राहुल भाई सबसे लेट पहुंच जा रहे थे। जो हमारे ग्रुप में सबसे लेट पहुंचता है वो एक ही बंदा है, वो है राहुल और कुछ। लेकिन सबसे लेट वाला बंदा जो था यही था जो भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। रात चलो निकलते हैं गाइस, इसी को यहाँ पर एंड करते हैं और आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं छतरपुर से लेट लतीफ एज यूजुअल जैसे आते हैं राहुल भाई। लेकिन इस बार उनकी गलती नहीं थी, इस बार हमारी गलती थी क्योंकि मैं ही खुद लेट निकला हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं फ्लोटिंग आइलैंड के लिए। जिसको भी नहीं पता है फ्लोटिंग आइलैंड कहाँ है वो आज पता चल जाएगा क्योंकि ये एक अनएक्सप्लोर्ड और अनसीन जगह है, मतलब कि ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये आपको हम लोग दिखाएंगे अपने मतलब कि व्यू पॉइंट से हमारा नज़रिया कैसा है उस जगह का और वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। सो ये है हिमाचल में पड़ता है फ्लोटिंग आइलैंड। जगह का नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, जगह का नाम आप लोग गेस करिए। वैसे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा तो पता चल ही गया होगा, नहीं पढ़ा है तो गेस करिए, ढूंढिए कहाँ है फ्लोटिंग आइलैंड हिमाचल में। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें लगेगा ऑलमोस्ट 10 या 12 घंटा पहुँचने में, क्योंकि 500 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। सो देखते हैं कितनी देर में हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि बाइक से जा रहे हैं तो हमें लगता है कि ये रास्ता हम लोग को 12-13 घंटे में पूरा करना चाहिए। लेकिन टाइम अभी दिखा रहा है 5 बजे का शाम को वहाँ पहुँचने का। एक सेकेंड, लेकिन हमें तो गाइज अब यही डिस्कशन था कि अब क्या क्या सामान है नहीं है, क्योंकि कैंपिंग में थोड़ा सा है ना क्या होता है चीज़ें छूट जाती है या रह जाती है। तो वही अब सामान वामान उठा लिया हमने अपने और अब निकल गए। सो अब मैं ज़्यादा इधर दिल्ली के अंदर का दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं तो ट्रैफिक होना शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग मिलते हैं हाईवे पे सीधा आपको। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मूर्थल। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर, मूर्थल में नहीं करेंगे एक्चुअली, हम लोग करने वाले हैं मूर्थल से आगे कहीं पहलवान ढाबा हो गया पहले पड़ता है या फिर आगे देखते हैं। एग्जैक्टली मूर्थल में नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ थोड़ा पार्किंग का इशू है, बाइक वाइक लगाने का दिक्कत है।
तो अभी हम लोग बस हार्डली 5 से 10 मिनट रह गए, और ये देखिए हमारे सूर्य देवता ने जी ने भी ऊपर तक दर्शन दे दिए है। ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो हो चुका है 7:15 हो चुका है, वैसे यहाँ 7:09 दिखा रहा है, लेकिन 7:15 हो चुका है, और एग्जैक्ट टाइमिंग जो हमें दिखा रहा है पहुँचने का वो दिखा रहा है 4:58, यानी 5:30 तक हम लोग लगभग पहुँच जाएंगे, जाना चाहिए। 9 घंटा 33 मिनट का रास्ता रह बाकी रह रहा है, देखते हैं और कितना हम लोग तेज़ी से कवर कर पाते हैं इसको, ताकि जो ये हाईवे है, क्योंकि अभी तो ये हाईवे बहुत अच्छा बन गया है, बाकी आगे जाके देखते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन और ना चालू हो। और ये गए हमारे राहुल जी, नो मैट राहुल, और पीछे नानक श्याम बसवंतारी, जिनका NX फिल्म्स के नाम से चैनल है, डू सब्सक्राइब देयर चैनल। और बाकी अभी जाके पहुँच के देखते हैं कैसा रहता है, नाश्ता वास्ता कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। आ जाए इधर। पहलवान ढाबा आ गए हैं, इधर है ना, इधर पे सामने, इधर आ जा। हाँ मेरे पास है जगह, बहुत पार्किंग की है। अरे पूरा पूरा पूरी पूरा जगह है यार पार्किंग का। अब यहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग पहलवान ढाबा। किसका चेन है, खुला होगा शायद। चेन खुला हुआ था भाई साहब ने बताया, अभी तक किसी ने बताया नहीं था। क्या बात है सर, ये बात है। तो हम पहलवान ढाबा पहुंच चुके हैं। नहीं हमारा भी नहीं ला बिल्कुल भी, देखना से नहीं, नहीं इसका भी बांधा था ना, ये क्या नाम है नानक का, इसका भी नहीं रुका। एक तो इसका बाइक पूरा रुक जाता है, स्टैंड अभी तक इसने ठीक नहीं कराया। शाबाश बेटा, चलो चलते हैं फिर अंदर, चाय वाय पिए और बैग वैग तो रेंट दो, यही सामने में नजर आएगा ना। सो गाइस अब हमारा आ चुका है पहलवान ढाबा में पराठे, जो कि यहाँ की रीट है, स्पिरिचुअल है, जो भी कह लीजिए, जो क्या बोलते हैं उसको, रिवाज है। फिर पराठे खाते और चाय तो बस खाते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। हाँ सो अब हमने कर लिया है पहलवान ढाबा में नाश्ता, अब यहाँ से निकलेंगे हम सीधा, देखते कितना डिस्टेंस करते हैं, कितना करना है भैया, अब 100-150। तो हमने कर लिया यहाँ पहलवान ढाबे में नाश्ता, अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने मंजिल के लिए, जो कि है फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ। और अब हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपको नाम क्या है उसका, नाम है उसका क्या ना, पराशर लेक, हिमाचल में पड़ता है पराशर लेक।
सो परासर लेक पहुंच के आपको फिर दिखाएंगे फ्लोटिंग आइलैंड, काफ़ी छोटा सा आइलैंड है वो फ्लोटिंग आइलैंड। तो निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। ये है तो सी होटल है ना वहाँ पर, ये यहीं पर ही मिल जाएगा। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं अंबाला गेट, आप लोगों को दिख रहा होगा सॉरी। तो यहाँ पर ही ये जगह है, फूड पॉइंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, रुकते हैं, चाय वाय का कुछ जुगाड़ होता है, चाय वाय पीते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से आगे भी है, तो आगे चेक करते हैं। अब आगे नाके पर पुलिस भी मुझे दिख रही है काफ़ी, अब देखते हैं कितना देर होता है। हाँ यहाँ पर ये रहना। ये लगाते ये तो कहाँ लगा रहे तू अंदर। तो अब यहाँ पहुंच चुके हैं अंबाला। अरे भैया कैसे लगा दिया, तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो। सो अब हम लोगों ने थोड़ा चाय पानी पी लिया यहाँ से, अंकल के यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश हो गए हैं। और रिफ्रेश होने के बाद अब थोड़ा वेट किया हमने, थोड़ा देखा डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस अभी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 277 किलोमीटर्स, और ये दिखा रहा है कि हम 6:58 यानी 7 बजे तक हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे जहां का हमने लगा रखा है। तो अभी ये है अंबाला गेट के पास हम खड़े हैं। तो यहां से अभी हिमाचल का जो डिस्टेंस है, जो हिमाचल बॉर्डर है, वो लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। तो वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे कहाँ लंच करना है हिमाचल के अंदर, क्योंकि अभी पहले यहाँ से पंजाब को क्रॉस करते हैं। तो अब सब तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी, और अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मंडी। ऑलमोस्ट हमारा जो किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया है वो है तुम्हारा 350 किलोमीटर फ्रॉम मूर्थल। तो मूर्थल से अभी तक हम लोगों ने 350 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंडी। मंडी से हमें सामान वामान भी लेना है, और फिर हम निकलेंगे वहाँ से अपने डेस्टिनेशन। क्या है डेस्टिनेशन राहुल भाई? पराशर लेक, दी फ्लोटिंग आइलैंड। रात को तो देख नहीं पाएंगे, पर सुबह ज़रूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और टाइमिंग दिखा रही है हमें 8:42 या 8 लगा लिए, 9 ही बज गया यार, लगभग ऑलमोस्ट। तो 9 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे परासर लेक। तो कोई नज़ारा देखने लायक तो होगा नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद तो यहाँ वैसे सूरज ढल जाएगा और हो जाएगा अंधेरा। तो इसके बाद हमारा ये प्लान है कि बस सामान वामान लेंगे, थोड़ा सा आपको कैंपिंग सेटअप का दिखाएंगे अगर हो पाया तो, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग फिर देखते कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास जो लाइटिंग्स की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कमी है, लाइट्स है नहीं हमारे पास। तो मेरा जो थोड़ा ये है कि अभी रिंग लाइट मिलता है तो हम लोग एक रिंग लाइट परचेज कर लेंगे यहाँ से। और ना देख लिखा मंडी, फिर तो यहाँ से देखते रिंग लाइट भी हमारा हेल्प करेगा फ़ोटो वोटो लेने में और इन सब चीज़ों में। तो देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी ये रास्ता जाता है मनाली के लिए भी और मंडी के लिए भी। और अभी क्या है ना कि आगे से डैम में काम वाम चल रहा है, तो इसलिए पानी भी सूख रखा है ऑलरेडी। तो और ये व्यू आ रहा है देखिए, क्या सन डाउन, मतलब ये सनसेट हो रहा है।
गाइज यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, लेपर्ड यहाँ पर मरा पड़ा है, बीचों बीच में लेपर्ड गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है। ओ भाई कहाँ से आ गया ये लेपर्ड, किधर से आ गया लेपर्ड, ऊपर से गिरा है क्या? अच्छा गाजी गाड़ी बजी है इस पर, साइड साइड भैया देना थोड़ा, मैं तो बना ली वीडियो। चलो चलो चलो, हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी, मंडी से अब हार्डली हमारा 1.5 घंटे का रास्ता है तो हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से, ऑलरेडी लेट हो ही चुका है तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वैसे भी हम लोग की हालत ख़राब है, जो अभी रास्ते में आपने देखा ही होगा कि लेपर्ड मरा पड़ा था रास्ते के बीच में, तो अब परासर लेक की क्या सिचुएशन रहेगी वो जाके पता चलेगा, अगर कोई वहाँ ऑलरेडी टेंट लगा के है लोग तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। और लगी पड़ी है, अभी हालत भी ख़राब है थोड़ा, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में आपको वहाँ के रास्ते पे, मिलते हैं और सिचुएशन दिखाते हैं वहाँ के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे का है। राहुल ने पता भी किया है, अरे यार भैया बोलने नहीं दोगे तो, ये बुलेट वाले भैया इनका पहले साइलेंसर सीज करवाओ, क्या ही बोले। हाँ सीधा 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 सीधा, तो अब यहाँ से राहुल भाई ने भी पता किया फ़ोन करके वहाँ पर, तो कैंप तो लग रहे हैं ऑलरेडी, बुकिंग भी है फुल है, लेकिन अब जाके देखते हैं क्योंकि अभी तेंदुआ देख के अब तीनों की हालत ख़राब है, लेफ्ट 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 और फिर लेफ्ट, फिर अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। और वैसे तो हम तीनों की फट चुकी है, जो लेपर्ड हमने देखा था अभी रास्ते में, और देखते हैं सेफ रहेगा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा। अगर नहीं रहता तो सिर्फ हम किसी शेल्टर में, मतलब किसी के उधर पे जाके हम शेल्टर ले लेंगे और उधर पे कैंप लगा लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, दिन रात अपनी है। बाकी गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में परासर लेक पहुँच कर। Yeah, 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 yeah